उज्जैन के अपर सत्र न्यायालय ने 5 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पत्नी, सास और साले को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2018 तराना वन विभाग के माकरोन थाने के चाकिया का है, जहां आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। क्या मामला है? 3 लोगों को सजा हुई है उम्र कैद की, क्या है पूरा मामला? 17/12/2018 को ग्राम चाकिया में पुलिस थाना माकरोन क्षेत्र में संगीता भाई ने अपने पति को पालघर से बुलाया कि तुम लेने आ जाओ, मैं आपके साथ आऊँगा। उस सूचना पर से बेचारा वो मृतक राहुल अपने ससुराल चाकिया गया, वहाँ रात रुका और रात में उसने उसकी पत्नी संगीता ने बोला कि आप रात को जो है कमरे में सोना, पर दरवाज़ा बंद मत करना, करना रात को मैं आऊँगी। तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। रात को क्या हुआ कि उसके संगीता का भाई बबलू और उसकी माँ सोरम भाई और संगीता, इन तीनों ने मिलकर जो है 2 लोगों ने पकड़ा और संगीता ने घासलेट डालकर आग लगा दी और जल गया। तो जब वो जल गया तो उसको छोड़ कर वो लोग भाग गए। उसने स्वयं को जैसे तैसे अपने आप को पानी से आग बुझाई, फिर ये लोग उज्जैन ले गए। रास्ते में कहीं बताया नहीं, ना थाने पर कोई सूचना दी और अस्पताल में झूठी कहानी बनाई कि चिमनी गिरने से जो है राहुल जल गया है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पर मरने से पहले वो स्वयं बता गया कि उसकी पत्नी ने आग लगाई और ससुर ने और सास ने जो साले और सास ने मिलकर पकड़ लिया था और उसको जला दिया है। इलाज के दौरान जो है 23/12/18 को उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका प्रकरण पुलिस थाने माकरोन में दर्ज हुआ था। जाँच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश करा और माननीय न्यायालय में जो भी साक्ष्य आई उससे ये सिद्ध हुआ कि इन लोगों ने मिलकर जो है आग लगाकर उसकी हत्या की थी, जिस पर से एडीजे श्री राजेश सिंह साहब ने 302 का दोषी पाकर तीनों को आजीवन कारावास से दंडित किया है, 1,000 रुपये का जुर्माना किया और सभी अब जेल में हैं।